सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर चल रहे रेप केस में पंचकुला की अदालत आज फैसला सुनाएगी। राम रहीम ने ट्विटर पर ट्वीट करके कहा कि उनकी पीठ में दर्द है, लेकिन अदालत का फैसला सुनने के लिए वे वहां कोर्ट जाएंगे। दूसरी ओर उनके लाखों समर्थक पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली समेत आसपास के इलाकों में डेरा समर्थकों की मौजूदगी हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। यह पहली बार नहीं कि खट्टर सरकार की वजह से पीएम मोदी के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ी हैं। बात 1996 की है, उस वक्त नरेंद्र मोदी हरियाणा में बीजेपी के इंचार्ज थे। यही वो वक्त था जब खट्टर और मोदी ने काफ़ी वक्त साथ बिताए। खट्टर भी बीजेपी में आने से पहले प्रचारक थे और मोदी भी, ऐसे में दोनों की केमिस्ट्री अच्छी जम गई। इसके बाद नरेंद्र मोदी को गुजरात में जिम्मेदारी मिली और देखते ही देखते वह नेशनल पॉलिटिक्स में छा गए। करीब दो दशक बाद नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता में आए और कुछ समय बाद ही हरियाणा में बीजेपी को जीत मिली। हरियाणा में बीजेपी को पहली बार बहुमत मिला। ऐसे में कई दावेदारों का पत्ता काटते हुए नरेंद्र मोदी ने खुद अपने पुराने साथी मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा की सीएम चुना। इसमें शक नहीं कि खट्टर की छवि बेहद साफ है और उन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है, लेकिन सरकार पर नियंत्रण को लेकर वह सवालों के घेरे में ही रहे हैं। गुरमीत राम रहीम पर कोर्ट के फैसले को लेकर हरियाणा में मची अफरा तफरी कोई पहला मौका नहीं है, जब खट्टर सरकार भिड़न तंत्र में सामने बेबस नजर आई है। इससे पहले जाट आरक्षण को लेकर आंदोलन के दौरान भी खट्टर सरकार सोती नजर आई थी। उस वक्त भी खट्टर सरकार सड़कों पर उपद्रव मचाती भीड़ को नहीं रोक पाई थी, जिसका परिणाम यह हुआ था कि 20,000 करोड़ की संपत्ति जलकर राख हो गई थी। गुरमीत राम रहीम का इतिहास रहा है कि वे अपने समर्थकों के बहाने से सरकार पर दबाव बनाते आए हैं। केंद्र में जब यूपीए सरकार थी, उस वक्त राम रहीम ने हरियाणा और पंजाब में कांग्रेस का समर्थन करने को कहा था। पिछले हरियाणा चुनाव में कई बीजेपी नेताओं को राम रहीम के पास वोट मांगने के लिए भी जाते देखा गया है। बाद में राम रहीम ने बीजेपी का समर्थन दिया और बीजेपी को जीत भी मिल गई। ऐसे में सवाल यही उठता है कि बीजेपी की हरियाणा सरकार डेरा समर्थकों पर सख्त रुख अपना सकती है या नहीं। और भी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हमें सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर पहली खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।